हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट माय करंट फेवरेट प्रोडक्ट। एंड आज के वीडियो में भी आई हैव इंक्लूडेड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, सो लेट्स क्विकली मूव ऑन। बट बिफोर प्रोसीडिंग, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड हैवंट येट सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब के पास में होगा एक छोटा सा बेल बटन, उसको आप जरूर हिट करिए ताकि आपको हमेशा मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू डू नॉट मिस आउट माय एनी ऑफ द वीडियोज। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So we all know that aloe vera gel is very beneficial for our skin, right? So I just thought ki main aloe vera gel ko mere skin care routine mein start kar dun use karna. So I actually started using this Aloe Max aloe vera gel. So it is from Prismos Beauty. So ye jo aloe vera gel hai na, isme hame aloe vera gel ke benefits ke saath saath rosemary oil ke bhi benefits milte hain, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बिकॉज़ ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये एक तो मतलब इसको मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई कैन से दैट इट इज़ अ सुपर प्रोडक्ट, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एलोवेरा जेल है एंड ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। एंड ये जो है ना, इसको आप यूज़ करोगे तो अगर सीबम प्रोडक्शन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी ये रोकता है, तो उसको मतलब एक्सेस सीबम प्रोडक्शन जो है उसको ये कम करेगा। ऑल्सो ये हमें स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो ये एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। सो ऑल एंड ऑल मुझे ये एलोवेरा जेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। पैकिंग भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली है, ईजी टू कैरी, हम लोग आराम से इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, इवन इन आर हैंड बैग्स। सो वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, देन इट रिटेल्स फॉर जस्ट ₹159 ओनली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इट इज़ एक्चुअली वेरी लाइट वेट जेल एंड ये हमारी स्किन को सूदन अप करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, इट नारिशेज एंड न्यूट्रीफाइज आर स्किन। अगर आपकी जो स्किन है, अगर डैमेज स्किन की प्रॉब्लम है, डैमेज स्किन है, तो उसको भी ये हील करेगा। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट and it gives you a soft, supple and fresh skin. So इसमें natural जो aloe vera gel होते हैं ना, उसके भी benefits हैं जो कि हमारी skin के लिए beneficial है and along with that it is combined with rosemary oil. So it acts as a deep moisturizer which controls sebum and locks moisture in our skin. और ये हमारे स्किन में बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है एंड इट लीव्स आवर स्किन सॉफ्ट एंड सपल। सो ये हमारी स्किन को मतलब हर तरह से इट इज़ बेनिफिशियल। आई वुड से कि ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट भी देगा, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये अगर आपको किसी एक्ने स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये रिड्यूस करेगा, बिकॉज मुझे भी एक्ने स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो गई थी एंड इसको मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ ना, देन आई कैन क्लियरली सी दोज विजिबल रिजल्ट्स। मतलब एक्ने स्पॉट्स को एक बहुत हद तक लाइट कर दिया है इसने। तो इसको आप मतलब डेली यूज़ करो, मैं इसको ट्वाइस अ डे प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। आप इजीली इसको यूज़ करो, बिल्कुल लाइट वेट है, हमारी स्किन को मतलब बिल्कुल भी चिपचिप या स्टिकी वाला लुक नहीं मिलता है। एंड अलॉन्ग विद दैट मतलब ये हमारी स्किन जो है ना, उसको मॉइस्चराइज भी करता है। तो मतलब एक आपको सॉफ्ट एंड सपल स्किन मिलेगी एंड बिल्कुल भी नॉन स्टिकी लुक रहेगा, तो विच इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेंज के अंदर, मतलब अगर आपको अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, देन आई वुड से दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। एंड अलॉन्ग विद दिस एलोवेरा जेल, मैंने एक और प्रोडक्ट ट्राई करना स्टार्ट किया था, विच इज़ दिस हेयर मास्क। सो ये भी सेम ही ब्रांड का है, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम प्रिस्मोस ब्यूटी। सो दिस वन इज प्रिस्मोस ब्यूटी एलोमैक्स, विच इज़ एलोवेरा जेल, एंड दिस इज प्रिस्मोस ब्यूटी हेयर मास्क। सो इट इज प्रिस्मोस ब्यूटी हेयर मास्क, विच इज इंटेंस न्यूट्री रिच हेयर मास्क। सो इसको तो मैंने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया ना, मतलब मोर देन हाफ, मतलब इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब यू कैन सी। एंड ये जो है, ये क्रीमी सा जो टेक्सचर है इसका, एंड ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हमारे जो डैम्प हेयर है ना, उसमें इसको अप्लाई करना है। सो ये जो हेयर मास्क है ना, इट हैज़ बॉटनिकल्स, बटर एंड नरिशिंग ऑयल्स विच बूस्ट volume and moisturize while strengthening our hair and reduces dandruff.
This hair mask also makes our hair more manageable as it softens our hair follicles and adds shine to it. It is made of pure natural ingredients. It provides deep nourishment, stronger hair strand. It accelerates hair generation. It reduces breakage, lifts, prevents premature graying and boosts hair growth. So, isme hai sugarcane extract, lemon extract, apple extract, and also it has argan oil, which reduces lifts and breakage. It also has bringraj, which promotes hair growth and strengthens our hair. Isme hibiscus extracts bhi hai, which prevents premature graying of hair. So, इस हेयर मास्क को हमें किस तरह से यूज़ करना है, वी जस्ट नीड टू डैम्पन आवर हेयर, मतलब थोड़े से जो हम लोग कहते हैं ना हल्के से गीले होते हैं बाल, तो उसमें हमें इसको अप्लाई करना है एंड वी ऑल नीड टू जस्ट अप्लाई इट, जितना छोटा अगर हम लोग स्ट्रेंथ ले सकते हैं हेयर का उतने छोटा स्ट्रेंथ लेना है, उसमें इसको अप्लाई करना है एंड वी जस्ट नीड टू कीप इट फॉर अराउंड 2 to 5 hours. मैं यूजुअली 3 hours जितना प्रेफर करती हूँ, मतलब 3 hours या फिर मोर देन दैट, एंड उसको अप्लाई करके रखो एंड उसके बाद हमें इसे वॉश ऑफ कर लेना है. सिर्फ वाटर से रिंस ऑफ कर लेते हैं एंड विल गेट सॉफ्ट स्मूद एंड मैनेजेबल हेयर, बिकॉज इसको मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, मतलब बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बना देता है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, मतलब ओवरऑल ये हेयर मास्क काफ़ी अच्छा है. एंड मुझे एक्चुअली ये दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं एंड बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम सेम ब्रांड प्रिज्मोस ब्यूटी. सो इनका एक्चुअली एक ऐप भी है जहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो. सो इस ऐप का जो इनका जो लिंक है प्रिज्मोस ब्यूटी का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. तो अगर आप इनकी जो ऐप है उससे अगर आप परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, तो जो आपका फर्स्ट परचेज रहेगा उससे आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो आई वुड से कि आप इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइस. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अ ज्वेलरी एंड वो है रिंग सेट, जो मैंने अभी भी पहन रखा है. सो दिस इज़ सिल्वर रिंग सेट एंड ये रिंग सेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो रिंग्स हैं, सिल्वर कलर की रिंग्स हमें मिलती है एंड अगर हम इसको सारी मिक्स एंड मैच करके अगर पहनते हैं, देन वी कैन क्रिएट अ बोहो लुक, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी एंड स्टाइलिश सा लुक मिलता है. सो दो तीन रिंग्स अगर हम लोग साथ में पहन लिया, मिडीज की जैसे पहन लो, तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है. एंड अगर आपको थोड़ा सा एलिगेंट सा लुक चाहिए, तो हम इसे सिंगल रिंग भी पहन सकते हैं. काफ़ी अच्छी रिंग्स हैं, स्टाइलिश है एंड दोनों ही तरीके से, मतलब वेस्टर्न में भी चल सकती है एंड इंडियन वेयर के हिसाब से अगर हम पहनना चाहें तो सिंगल रिंग पहन लो तो वैसे भी चल जाती है. एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रिंग सेट है ये. इसको मैंने परचेज किया था आई थिंक फॉर अराउंड 250 और सो, जो कि बहुत ही सही है. क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है एंड इसका जो सिल्वर प्लेटिंग जो है, इसका जो पॉलिश है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड नाउ कमिंग ऑन टू मेकअप सेक्शन. तो उसमें मुझे आईब्रो पेंसिल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, विच इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन. दिस इज़ द आईब्रो पेंसिल एंड इसमें एक्चुअली एक साइड से स्पूली में मिलता है एंड दिस वन एंड अनदर साइड विल गेट दिस रिट्रैक्टेबल आईब्रो पेंसिल. सो ये एक्चुअली दो शेड्स में इसमें हमें मिलते हैं, दो कलर्स इसमें हमें मिल जाते हैं. सो दिस इज़ ब्राउन इसका जो शेड नेम है वो. क्वालिटी अच्छी है इसकी एंड इसकी अगर हम लास्टिंग की बात करें तो लास्टिंग इसकी अच्छी है. तो मैंने एक्चुअली इस टाइप की पेंसिल पहले यूज़ की नहीं थी, सिंपल जो पेंसिल आती है वो यूज़ करते हैं, बट स्वेटिंग अगर हो रही हो या फिर अगर हम फेस वॉश करते हैं तो वो उसका जो कलर जो है, वो जो हमने गैप्स को फिलअप किया होता है, तो वो बहुत लाइट हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है. इवन आई हैव यूज्ड दोज आईब्रो पैलेट्स, बट those also didn't work for me much. So then I thought कि इसको try करूँ and इसको actually मैंने use किया, मुझे बहुत सही लगी. काफ़ी affordable है, इसका price I think 165 इसका price है, बहुत ही affordable है. Lasting अच्छी है, quality अच्छी है. So if you are in search of any eyebrow pencil, then I would definitely say that you should give this a shot. Next product is a lipstick and it is from Sugar Cosmetics. So it is this लिप क्रेयॉन एंड इसका जो शेड नंबर है इट इज़ 06 शो स्टॉपर. सो पिंक कलर है इसका जो मैंने अभी अप्लाई कर रखा है, काफ़ी प्रिटी सा पिंक है इसका. सो इफ़ यू लाइक टू अप्लाई एनी पिंक कलर्ड लिपस्टिक
तो आई वुड से कि इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं. एंड इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, बट मुझे ये वाला कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है. कलर अच्छा है, थोड़ा सा नेचुरल लुक अगर आपको चाहिए, थोड़ा सा लाइट अगर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एकदम नेचुरल कोरल सा न्यूड सा शेड हम लोग कह सकते हैं. एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी क्रीमी है, मैट लिपस्टिक है एंड लास्टिंग भी बहुत ही अच्छी है. सो इफ़ यू लाइक टू अप्लाई एनी मैट लिपस्टिक देन यू शुड ट्राई दिस वन. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ परफ्यूम एंड इट इज दिस वन. सो एना सुई परफ्यूम है ये एंड काफ़ी अच्छा है. इसकी जो बॉटल है वो बहुत ही प्रिटी सी है, मतलब बहुत क्यूट सी इसकी बॉटल है. एंड अगर हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें ना, देन इट्स अ लिटिल बिट लाइक फ्रेशी एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस है. एंड अगर हम इसकी लास्टिंग की बात करें देन बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता ये परफ्यूम. प्रोजेक्शन अच्छा है इसका, लास्टिंग इसकी ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, मतलब इसका प्रोजेक्शन अच्छा है एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मैं इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ. एंड इसको मतलब मैं जब भी अप्लाई करती हूँ ना तो आई कैरी इट विथ माई सेल्फ ताकि आई कैन री अप्लाई इट. So yeah, this is the next product. So that is all about this video. I hope you found it interesting. If you did, then don't forget to drop a like. Do share this video with your friends and family. Channel ko subscribe nahi kiya hai, to subscribe zarur kar dijiye. I shall see you soon in my next video. Until then, stay happy, stay positive, and do take care of yourself.